निकाल दे, टच करने दे। ये हल्की है। सबके पास आ रही है। मैसी, क्या हुआ बाबू? क्या हुआ? यहाँ पे सबक जहाँ में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और आप सबकी दुआ के वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब एकदम ठीक है। पिछले ब्लॉग में देखा होगा मैंने धनिया का पानी, जो कि थायराइड के लिए आप सबने भी सजेस्ट किया था अच्छा होता है, वो मैं पीने जा रही हूँ। जल्दी जल्दी पी लेती हूँ ना। यहाँ पे पढ़ाई भी चल रही है, सैलेड भी खाया जा रहा है। पढ़ाई और सैलेड दोनों। इसमें भी थोड़ा नमक डाल दिया, मिर्ची डाल देंगे और क्या, जीरा पाउडर। बर्तन कितने अच्छे लगते हैं। नॉन स्टिक बर्तन पसंद है? उसमें होते तो चिपक जाए। मैं सिर्फ नॉन स्टिक में ही खाना बना सकती हूँ, ये मेरी कमजोरी है। चलो रिजा निकल लो। प्लीज आज नाचा खाना है मेरे फेवरेट। अरे बैगन दिखा दिखा दिखा। ये माशाल्लाह आज का लंच ये है, बैगन। पापा के लिए बनी थी ये गिलकी। गिलकी ना चीरे, अभी हमने सिर्फ 5-6 बनाए क्योंकि मैं खाऊंगी और सब थोड़ा थोड़ा टेस्ट करेंगे। अल्लाह ने बोला जो बचा है ना, बहुत सारा दाल गल गई थी और दाल उस वक्त लग रही थी थोड़ी सी होगी, शाम को इसी का डिनर कर लेंगे चीले चीले का, और वो साथ में कोई चटनी भी बना देंगे। ठीक है, पहले हम सब्जी निकाल रहे हैं। चटनी जो तुम्हें अच्छी लगी, लहसुन की चटनी बहुत अच्छी लगी, वो वाली लाल मिर्ची की, लहसुन खटाई की। लो लंच कर लेते हैं, उसके बाद आपसे शायद कोई बाहर मिलने आया है, तो अभी हम मिल के आते हैं। आज मेरे पैर में बहुत ज्यादा दर्द था, मिल गया अभी चलते ऊपर। क्यों रजा, तुम्हें क्या लगता है मैं अपने वादे तोड़ देती हूँ? हमने कहा रिजप्पी शालुप्पी कह रही है नहीं जा रहा है, तो कह रही मुझे तो पता था शालुप्पी आज नहीं जा रही। 9:30 हो गया अभी नाइट सूट में, फिर तुम्हें चेंज करना। मैंने कहा मूड नहीं है जाने का, और कहा है भी नहीं, तो हाँ नहीं मान रहा है। उनसे वादा किया था कि मैं आज उन्हें आइसक्रीम खिलाने ले जाऊंगी, क्योंकि ये 6 साल पहले जाया करती थी। यही लंच में था, बस एक्स्ट्रा ऐड हो गई ये चटनी। आज मैंने दिन भर कुछ नहीं किया, आज मैंने नहाया भी नहीं है, लेकिन वीडियो एडिट किया, और वीडियो एडिट करने में कितने 2-2.5 घंटे लग गए, क्योंकि जो फुटेज था वो था 1 घंटे का, जो हम लोग गए थे जेमी के साथ वहाँ पे, और उसको मैंने किया है 16 मिनट में। तो डिनर कर लेते हैं, करें आइसक्रीम खाने जाना है, रहेगा तो जाएंगे, पहले डिनर कर लेते हैं, इसके बाद आपसे मिलते हैं। टाइम रहेगा नहीं, टाइम निकालना पड़ेगा। तुम चलना, चले क्योंकि संतोष भैया नहीं है ना, ऑटो 2 ऑटो करना पड़ेंगे। एक में 5 कैसे एडजस्ट करेंगे? ये चटनी बनाने के लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया। कल केरी लाना, उससे इससे और ज्यादा टेस्टी बनेगी। मम्मी खा रही है कबाब चटनी, ये मोमोज की चटनी है, रिजा कह रही है। मोमोज तो नहीं पता यहाँ क्या है, लेकिन अपने मौदाह की हम बात कर रहे हैं। ये मौदाह में कबाब बेचने वाली आती थी, तो ऐसी लाल मिर्ची की चटनी देती थी। शुगर फ्री रेडी हो गई, और हमने बोला वहाँ शुगर फ्री आइसक्रीम नहीं होती, तो कहीं हम नहीं जा रहे। तुम लोग जाते इसलिए रहे हो आइसक्रीम खाने, अब हम किस लिए? हम लोग कंपनी देने के लिए। मेरे चश्मे में उल्लू वाला चश्मा नहीं है, और आज मैं जानबूझ के चश्मा लगा के निकली हूँ, कि मैं देखती हूँ ना कि लोगों को अलग लगता है या नहीं लगता है। नहीं पसंद है, मुझे पसंद है। कोई नहीं देख रहा है, सब देख रहे हैं कि सब जा रही है, ये देख रहा है कोई उल्लू जा रहा है। बस बस रास्ता ही भूल गई थी। कैसी लग रही हो? शुगर फ्री तो होगी नहीं, कौन में चाहिए तुम्हें? तुम्हें कुछ नहीं, अभी आ रही है। अच्छा, मैंगो काट रहा है, तुम भी खा लो। नहीं, रंग लोग अपनी आइसक्रीम खा रहे हैं, और मेरी वाली भी आ रही होगी, उनको मैंगो पीसेस कट करने हैं। हालांकि आइसक्रीम ढूंढने आए यहाँ पे बास्किन रॉबिन्स। कितना बड़ा टब है? हाँ ठीक है, तुम थोड़ा रख लेना, थोड़ा खा लो, कर लीजिए पे कर दिए। हैप्पी चले। अच्छा स्पून, हमने अभी नाचा खाने को आइसक्रीम दिला दी है, और अभी हम जा रहे हैं अम्मी के लिए लेने। फ्रेंड्स यहाँ पे ना मैंगो कटने में टाइम लग रहा है, इसको चिंता है कि इसकी आइसक्रीम पे करके, तुम खाओ ना अभी। थैंक यू, ये आइसक्रीम भी ले ली है फ्रेंड। ऑटो मिलना मुश्किल है। नहीं हम आ रहे हैं, जाओ। नहीं आइसक्रीम पिघली तो नहीं तुम्हारी, चेक करो। आया फ्रेंड्स, आज इतने सालों बाद हम उस जगह पे गए थे, और रात में इतना, और कितने लोग निकलते हैं, हम लोग को लगता था इस टाइम कोई नहीं निकलता, लेकिन आज संडे था और गर्मी का मौसम था, बहुत भीड़ थी, बहुत चहल पहल थी, मजा आया। हाँ बैठ के आया भैया। भैया
मैंने बोला मत बैठो। दिनों बाद हम लोग आइसक्रीम खाने गए थे इसलिए मैंने वहाँ पे खा ली मैंगो और मलाई। और आज संडे था तो आज जिम भी नहीं गई थी, संतोष भैया भी नहीं आते तो आज हमने नीचे एक घंटा वॉक कर लिया। अभी हो चुका है नेक्स्ट डे और अम्मी लोग कर रही है लंच। और आज खाने में बनी है एक चीले की सब्जी। ये दिखाना चाहती थी मैं आपको कि ये आप लोग बताना आप लोगों को पसंद है कि नहीं। मछली टकली वाली मछली है, वेजिटेरियन लोगों की मछली। फ्रेंड्स आज है 23rd में, आप में से काफी लोगों ने कहा कि डेट बता दिया करो, टाइम बता दिया करो। तो अभी बज रहा है कितना, 3 बजने वाला है। वहाँ से आके मिलती हूँ। आज मुझे जाना था लोखंडवाला भाभी के साथ नल लेने, लेकिन आज वो थोड़ा सा कुछ बिजी है तो इंशाल्लाह हम कल जाएंगे। जल्दी से लेट हो रहा, जल्दी से सलाम कर लो। अस्सलाम वालेकुम। अरे वो जिम की चाबी भूल गए, इससे जिम में घुसने देते हैं वरना बोलते हैं तुम कोई अनजान हो। जल्दी से जिम जाते हैं और जल्दी से आते हैं। आने के बाद मैंने खाया खरबूजा और ये किया लंच। मम्मी को थोड़ा सा कुछ मार्केट का काम है तो मैं उनके साथ जा रही हूँ। वो रही अम्मी। बहुत वक्त से अम्मी के कुछ दुपट्टे रखे थे, उनमें लेसेस नहीं थी, तो हम लोग ये वाली शॉप आ गए। इनके पास बहुत ही अच्छी लेसेस है। बहुत फर्क पड़ा माशाल्लाह। खाला वो जो बना रही ना ड्राई फ्रूट वाला, उसकी तैयारी में लगी हुई है। हम लोग लेस लेके आ गए और आज बहुत अच्छा लगा सुनकर, क्योंकि लेस वाले भैया बोले कि आपने एक वीडियो डाला था रमजान में, उसकी वजह से उनके शॉप पे बहुत सारे लोग गए और सब कहते हैं सबा कब आएगी, सबा कब आएगी, उनके घर वाले कब आएंगे मिलना। तो बहुत अच्छा लगा, मिलना तो खैर इंशाल्लाह हो ही जाएगा। हम लोग मार्केट जाते रहते हैं। जिन लोगों ने भी मेरे बारे में पूछा था आप सबका बहुत सारा शुक्रिया। और वो शॉप सच में लेस की बहुत अच्छी है, हर डिजाइन की हर कलर की लेस मिलेगी। अगर हम सजेस्ट करते हैं और हम भी अगर कहीं जाते हैं, अगर वहाँ का वीडियो दिखाते हैं और उसकी वजह से किसी का फायदा होता है, उनके रिस्क में बरकत होती है, देने वाला अल्लाह है, लेकिन अगर हम एक जरिया बनते हैं तो हमें बहुत ज्यादा दिल से खुशी होती है। इससे ज्यादा सब आपका काम क्या है कि अल्लाह उनकी रोजी चले, उनकी दुकान चले। आ गए, थक के आए हो क्या? नहीं, जूता टूट गया। हाँ मुझे लग रहा था, चुप चुप है, क्या टूटा? अरे तो फेविक्विक से चिपक जाएगा, इसलिए कहते हैं योनेक्स मत लिया करो रेहान। योनेक्स से अच्छा कोई ब्रांड भी नहीं होता। अब रेसिपी स्टार्ट करो। बताओ क्या बना रही हो और क्यों बना रही हो? क्योंकि तुम्हें खाना है, खाना इसलिए तुम्हें पसंद है। हाँ। चाहे जाएंगे थोड़ा थोड़ा निकाल के, मीठा खाना है तो बाहर का ना सही तो घर का खाना। ताकत भी है। हाँ, और सबसे ताकत की चीज होती है। पहले मखान तलेंगे। कितने मखान है ये? तुम लाइ तो पैकेट है तो होंगे 250 पैकेट तो 250 ग्राम होंगे। अपनी मर्जी से मिला लो। हाँ, अंदाज से। गुलाब जामुन बनाने में आगे है, ये सुठौरा बनाने में आगे है। कढ़ाई गरम हो गई फ्रेंड्स, अब इसमें डालेंगे घी। तो ऐसे खाने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। देखना इसकी खुशबू कहाँ कहाँ जाएगी। ये वाला पहन चुका हूँ 5 बार, गंदा नहीं करना चाहता। मैं मेरे जूतों को साफ रखता हूँ। जब भी मैं इसको लेके वीडियो शूट करी होती हूँ कुछ ना कुछ हो जाता है। तो इसके पास ऑलरेडी 2 शूज हैं और उसको भी हम फेविक्विक से जोड़ लेंगे। इसको बनाते बनाते रियलाइज हो रहा है कि बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बन जाएगा, तो बहुत ज्यादा मत बनाओ, वेस्ट होगा क्योंकि मैं इतना सा खाऊंगी। क्या हुआ? कहाँ की तो छड़ी? कैसे? लेट जाओ लेट जाओ। उठ गई थी क्या? नहीं, जस्ट गेट खोलने के लिए उठे। सांस लो। अरे सांस लो, इसकी अम्मी को बुला। अरे सही हो जाएगी, ऐसे हो जाती है। हम पार रो रही है। लेट जा, डबल बेड में लेट जा। अब ये लोग सब मेरे बेड का मजाक उड़ाते हैं ना। ये मखाने कूट रही हैं, इसको तर रहे हैं खरबूजे के, तरबूजे के बीच में हल्दी भी पड़ती है। और हल्दी के बगैर फिर पीला कैसे होगा? आज भी हल्दी और क्या है, घी। हाँ, हल्दी घी। हाँ, गर्म करके इसमें डाल दिया नारियल, नारियल जो घी में तला था। हाँ, वो पिस्ता, पिस्ता वाला। हाँ, काजू, ईद का बादाम, ये जो ईद का बचा हुआ रखा। हाँ, था बचा हुआ रखा था ये काजू पिस्ता बादाम डाल दिया फ्रेंड्स। किशमिश बादाम तो उसमें थे। ये मखाने। मखाने ये सबसे अच्छे लगे, क्रंची क्रंची लगेंगे। छुआरे छुआरे गोंद है, गोंद। हाँ ये गोंद जी। चार मगर गोंद थोड़ी डलती है ना? नहीं, ज्यादा है, बहुत सारी है। देखो कितने ग्राम होगी? 50 ग्राम की पैकेट थी वो ना, एक डाला है। ये खाने से कमर में दर्द नहीं होता? ओके डॉक्टर साहब, ये हमें भी नहीं पता है, अम्मी को पता है। डॉक्टर साहब थैंक यू। डॉक्टर छोटे डॉक्टर खसखस ये खस। डॉक्टर साहब थायराइड का इलाज भी बता दीजिए। धनिया, हाँ मेथी, हाँ बस यही दो चीज। फीस नहीं ले रहे? फीस
अभी से जब ठीक हो जाना फिर देना। ये सोट द वेरी फेमस सोट, भैया सोट ज्यादा नहीं डालो, अभी होगा मिक्स मिक्स मिक्स, नाजा खालो को ऑर्डर मिलने लगेंगे। जिसके अभी बच्चे हो नाजा खालो को कॉन्टेक्ट करे। बच्चे हो खाने के शौकीन हो, टेंशन की बात नहीं, आपको ये खाने के लिए बच्चा पैदा करने की जरूरत नहीं है, आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं। आप डाल रहे हैं इसमें गुड़, गुड़ गुड़ अपने हिसाब से जितना मीठा हो थोड़ा ही डालो। अम्मी अच्छा आप ये बताओ कि जब हम लोग पैदा हुए थे आपने खाया था ये? सानू के होने में तो मौदहा में हुआ था, तो वहाँ इतना नहीं मिला था खाने का। अच्छा। इतना मतलब नहीं हमारी वो थी हैसियत इतना ज्यादा खाते, लेकिन हमारी एक नंद है वो इतना हमें टिफिन में बना के लाई थी, एकदम तल के इतना अच्छा था वो टेस्ट, मुझे आज तक इसमें भी नहीं मिला है। अच्छा। हाँ, जो पहली बार मिलता है। हाँ, पहली बार तो वो मैंने खाया था, मुझे बहुत अच्छा लगा था। और मेरे फिर 5-6 साल बाद तुम हुई हो, 6 साल बाद तुम हुई हो, तो फिर वहाँ हमारे एक बहुत अच्छे मिलने वाले पड़ोसी थे, उन्होंने हमें लड्डू बना, पापा पूरा सामान लाए थे, तो दिल भर के खाए थे। अच्छा। बने थे, लेकिन फिर हमारी एडवाइस ये है कि हम थोड़े खाते सबको खिला देते हैं। हाँ, सबको दे देते हैं। सारा के टाइम पे हम ड्राई फ्रूट बिल्कुल नहीं खाते थे। अच्छा, तो पसंद नहीं था। हाँ, पसंद नहीं थे। नंद थी एक बना के देती थी किशमिश, किशमिश में बैठ के नीचे देते थे। तो खाते थे किशमिश जो मुँह में आती थी वो बैठ के नीचे सारा देखो। 1.25 महीने के बाद देखी थी इतनी सारी किस्मत। नाजा खाला कम से कम उठ के डस्टबिन में ही डाल देती। घर की वजह से की लोग डालेंगे। तो खालू को दे देती किशमिश? खालू को दे देती किशमिश? शुरू से खाते हैं मीठे, वो खाते नहीं। नाजा खा थोड़ा मीठा कम खाते हैं। कहाँ ये ड्राई ये चीज बेटी खाला देख लेगी तो बेटी खाला को रात भर नींद नहीं, सोचेगी मैं कब बम्बई चल जाऊँ, मैं दिखाऊंगी बेटी खाला देखो। देखने में तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। चखने नहीं दे रहे और एक्स्ट्रा सोट मिलवा रहे हो? सोट मुझे ना बहुत ज्यादा वो नहीं, लगती नहीं, है जब तक सोट, लेकिन अच्छा लग रहा है। बेटी लड़ने वाली चली गई, देखो तुम्हारे लिए बचा के रखूंगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तुम्हारी मम्मी ने खाया था जब तुम हुई थी? बहुत ने बहुत खाया। बेटी को लग कच्चा बना दी तेल का। हमने लड्डू खाए हैं आटे के? नहीं नहीं आटे की नहीं, तो इसी की लड्डू बनते हैं। तो नहीं, इसको मिक्स काय में करते हैं? इसी बस गुड़ से थोड़ा सा नान के लिए आटा मिलाते हाँ। होंगे। देखो अब देखो तुम खुद बताओ अपने फैन को, सोट पे थोड़ा एक अलग सा फ्लेवर आ जाता है। मम्मी अभी भी सोट से सेटिस्फाइड नहीं हूँ, उनको और सोट डालनी है। काम एक चम्मच भर के सोट डालो, नहीं कड़वी लगे और थोड़ी होगी तभी तो लड्डू का मजा आएगा। जो डब्बे में इतना गुड़ है बस इतना ही डाला है। तो अम्मी अपना भैया अलग अलग कर रही है, टेस्ट अपना अपना अपने पसंद का होता है ना। कि अम्मी ने मिला ली और सोट, हड्डी कमजोर है अभी मुड़ गई थी तुम्हारी हड्डी, एक कटोरी भर के ये भी खाती है लड्डू है। पूछो लड्डू बना रहे हैं? नहीं आते, फ्रेंड से पूछ लो आप जिसको आते हो, तो आप सब आके इसमें बताओ तो हम देख के फिर बनाएंगे। तुम भी खाओ। मैं कभी जिंदगी बनाई, अभी जिंदगी में छुआ नहीं है हमने, अम्मी से पूछो। लेकिन अब वक्त आया कि सारा के होने में हमें खाना पड़ा, नहीं सब डांटते हैं कि खाओ खाओ। नाजा खाला किशमिश नीचे फेंक देती थी, तुम पूरा लड्डू नीचे फेंक दे। टेस्ट करना बड़ा अच्छा, पूरी चीज मुझे अच्छी लगती है। तो मास्टर शेफ वालों अगर आप देख रहे हो तो मुझे काम दे दो, मैं इतना मजे से आपका टेस्ट करके दिखाऊंगी कि आपकी TRP बढ़ जाएगी। हम सारा से कहते हैं अकेले जी। ये सबको बता दो कि इसे फ्रिज में रखना है या कहाँ रखना है? फ्रिज में रखो और अगर गरम करके खा लो, फ्रिज के बाहर भी चल जाएगा। फ्रेंड्स आप भी बनाइए जैसे मैंने कह दिया है, कोई भी खा सकता है। इतनी ज्यादा क्वांटिटी में नहीं भी बनाना, तो थोड़ा सा बना लो टेस्ट के लिए, अच्छा लगेगा। मेहमान आए तो उन्हें खिलाओ, खुद खाओ, अगर आपके बच्चे होने वाले हैं तो भी खाओ, बच्चे हो गए हैं तो भी खाओ, और कब खाओ कभी भी खा लो, जब खा लो। भाभी के लिए निकाल दो। रेहान वीडियो ट्रेंड कर रहा है 49 पे। अरे वाह, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। अरे वो स्क्रीनशॉट लेने भाग गई। फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे बहुत जल्द मिलती हूँ कोई नए ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।